भगवंत बेईमान ने जो अपनी सरकार बनाई पूरे पंजाबियों नू एक वादा किया सी बड़ी साफ सुथरी सरकार होगी। तकरीबन 10 महीने हुए है, 4 तो इन्हों के MLA ते मंत्री फड़े गए ते इन्हों के करप्शन के खिलाफ लड़ाई की लड़नी सी, रंगे फड़े गए इन्हों के MLA नू छड़न दे लग गए। हुण जिहड़ा अमित रतन है सही मैंने तो डकैत है उन्हों रंगे हाथ विजिलेंस ने फड़िया। उदो नाल दे नाल मैनू पुलिस वाले दस रहे सी अफसर कि सानू मुख्यमंत्री दे दफ्तर तो टैलीफोन आया कि इहनू नहीं फड़ना, उहदे PA दे पा दिओ केस। तो फिर उन्हों पिछों दी कढ़िया पग ला के उन्हों पिछों दी कढ़िया। आ तां हालात पंजाब दे बने पए है, कोई मर्जी दफ्तर चले जाओ कितने मर्जी चले जाओ पैसा 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 पैसा। आम इंसान पंजाबी कोई काम ही नहीं करा सकता। अज जिन्ने इन्हां दे MLA है हर चीज़ च महीना बनी बैठे है, थाणिया च महीना बनी बैठे, तहसील च महीना बनी बैठे है। आ जिहड़ा अमृत रतन सी मैनूं दस रहे सी पिंड वाले इलाके वाले हर काम च, हुण आ जिहड़ा ग्रांट सी 25 लाख दी पिंड को दे नूं ग्रांट आई उहदे च आम आदमी पार्टी दा MLA 5 लाख लै रहा है। हुण ग्रांट सरकारी पिंड च लगनी है, 5 लाख वो MLA लैके जा रहा है, तो फिर होगा कि पंजाब का आ तो हालात बनी पई है। हुण तुसीं देखो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इन्नी खराब हो गई है। अज मैं कई जगह पर मैनू बहुत लोग मिले है जिहड़े कहिंदे जी असीं हुण पंजाब च नहीं रह सकते। कल मैं मलोट एरिया ते गया सी ते मलोट दे व्यापारी मेरे कोल आए ते कहिण लगे कि जी इन्नियां फरौतियां सानू देणियां पै रहियां, साना इत्थे रहना मुश्किल है। मैनू एक शैलर वाला सी जी, मैं तक अपना शैलर पट के मैं हरियाणे च लाउण लग्गिया क्योंकि इत्थे रहना औखा है। देखो 10 महीनों 'च ही इस सरकार ने पंजाब नूं बर्बाद कर दिता है। ही नहीं मुख्यमंत्री, पता ही नहीं मुख्यमंत्री कित्थे है। फैसले केजरीवाल कर रहा है, अज हुण जिहड़ा मेहता लाया है जिहड़ा पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन दा हुण चेयर प्रधान लाया नवा मेहता, आम आदमी पार्टी दी सरकार ने सब तो ज़्यादा करप्ट मैं लगता उहदे एक्साइज सेल टैक्स दे इन्ने पैसे देने हैं, उन्हें एक्साइज दे पैसे देने हैं। तुसीं एक्साइज डिपार्टमेंट का डिफॉल्टर है, सब तो वड्डा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिफॉल्टर सब तो वड्डा डिफॉल्टर है क्योंकि इन्हें केजरीवाल नूं पैसे दिते है ते हुण उहनूं बुला दिता इत्थे क्रिकेट बोर्ड का क्योंकि क्रिकेट बोर्ड कोल सब तो ज़्यादा पैसा है ते उन्होंने अपना बंदा लाता कि उत्थों पैसा कढ के उत्थे केजरीवाल नूं दे जांगे। आ जिहड़ी केजरीवाल दी सरकार है भगवंत बेईमान जिथों दा मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी का कल्ला एक निशाना है कि पंजाब के खजाने नूं लुट्टो, उहदे नाल आपां देश विच आम आदमी पार्टी नूं खड़ा करिए। तो मैं पंजाबियों नूं बेनती करना चाहुंदा कि इहनां खिलाफ़ डट के खड़े होइए क्योंकि जे आपां डट के नहीं खड़े होवांगे इन्हां ने अजिहा हालात बना देनी है कि बाद संभालनी बड़ी औखी हो जाणी। इश्तहार देखो जिन्हें हिंदुस्तान के एयरपोर्ट है उत्ते इश्तहार भगवंत बेईमान दे है। कल मैं TV देख रहा सी भगवंत बेईमान का इश्तहार आया उत्ते TV दस रहा सी, देखो साड़ी सड़कां, मैं हस पिया मैं क्या बनाइया तो असी हैं। फिर कहिंदा साड़ी पावर सरप्लस है, साडे सूबे च इन्ने थर्मल प्लांट लगे है, सारे अकाली दल ने जो काम किए उन्होंने हुण दसी जांदा सी। भगवंत सिंह बेईमान बेनती करदा है तुसीं अपना दसो तुसीं की कीता 10 महीनों के अंदर, तुसीं इन्ना दस दिओ कि नवीं चीज़ नवीं कोई इट नवा कोई प्रोजेक्ट कोई दिता कुछ नहीं किया झूठ के बगैर। महला क्लीनिक जिहड़े शुरू किए सी उह बंद होण दे किनारे आ गए क्योंकि जिहड़े नर्सां ते डॉक्टरां ने कीते सी उह सारे वापस चले गए। आ एक टैंपरेरी ड्रामा सी, सेंटर का पैसा आया सी किसी होर काम वास्ते उन्होंने वरत लिया, हुण सेंटर ने भी इहनूं लिखता कि असीं सौ तो वापस लवेंगे पैसा क्योंकि आ पैसा महला क्लीनिक वास्ते नहीं। एक जिथे महला क्लीनिक बनाया सेवा केंद्र से 10 लाख का असी सेवल केंद्र बनाया सी ते इन्होंने उन्होंने रंग करने का 20 लाख लाता उद्दे भी कपला। थैंक यू।